हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अमेरिका से लौटे तिब्बती मूल के शख्स की टांडा में मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका से लौटे तिब्बती मूल के तेंजिन छुड़ेन की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह 15 मार्च को अमेरिका से वापस मैक्लोडगंज लौटा था, लेकिन उसने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी। आज सुबह उसे उपचार के लिए टांडा लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हिमाचल लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच समूचे हिमाचल को आगामी आदेशों तक लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि हिमाचल में भी 2 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद से ही प्रदेश सरकार इस तरफ ज्यादा गंभीर हो गई है। इसके चलते ही आज हिमाचल सरकार ने ये निर्णय लिया है। देश ने और सभी प्रदेशों ने जो एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी समय समय पर कदम उठाए। पिछले कल हमने जो नोटिफिकेशन की थी, जो हमारा कांगड़ा जिला जहाँ पर पॉजिटिव 2 केसेस पाए गए थे कोरोना वायरस के, वहाँ पर हमने उस डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन किया। लेकिन हमें आवश्यक लगा कि पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में पूरे प्रदेश में ये बीमारी ना फैले, इसके लिए आवश्यक है। आज विधानसभा का सत्र हमने समाप्त कर दिया, बीच में ही समाप्त कर दिया, और आज के सत्र समापन के साथ साथ हमने पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रदेशवासी इसमें सहयोग देंगे। जयराम बोले, दिक्कतों से ज्यादा लोगों का जीवन बचाना है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए इस समय लोगों की दिक्कतों से ज्यादा उनका जीवन बचाना है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि इस बीमारी से एहतियात बरतते हुए लोगों को दिक्कत तो होगी ही, लेकिन लोगों का जीवन बचाना सबसे जरूरी है। लोगों की दिक्कत का जिक्र मत करिए, लोगों का जिक्र दिक्कत से ज्यादा विषय इस बात के लिए है कि लोगों की जान बचाना। ऐसे में दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, आपको भी, लोगों को भी दिक्कत होगी, मान करके चलिए, स्पष्ट है, बड़ा साफ है। जो जरूरत आज की, वो जरूरत है आदमी का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर के मुझे इस दौर में सिर्फ इतना ही निवेदन है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा, इतना मेरा आप। मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले पेड हॉलिडे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि फैक्ट्री मनरेगा मजदूर, दिहाड़ीदार, आउटसोर्स कर्मचारी, अनुबंध के मजदूर आदि को पेड हॉलिडे दिया जाए। ये फोर्स हॉलिडे है, सबको पैसा मिलना चाहिए, चाहे सरकार हो या प्राइवेट, पेड हॉलिडे मिलना चाहिए। तबके के लोग, चाहे वो फैक्ट्री के लोग हैं, लेबर हैं, मनरेगा के लोग हैं, आउटसोर्स के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है, झाड़ीधार है, तमाम वर्ग के जितने भी हैं सबको पेड हॉलीडेज होनी चाहिए, क्योंकि ये फोर्स्ड हॉलीडे है, सबको पैसा मिलना चाहिए। सारे कारखानेदारों को भी डायरेक्ट निर्देश दे दिए जाए, उनसे आग्रह भी कर दिया जाए, और वैसे भी जो है पेड हॉलीडे हर स्तर पे हो, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट लेवल पे, सबको पैसा मिले, कोई ऐसी हाहाकार ना मचे। बजट पारित, विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। कोरोना वायरस के बढ़ते खौफ के बीच हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार को मात्र 2 घंटे की अवधि तक चलने के बाद ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे से शुरू सत्र के दौरान बजट पारित किया गया। सदन में 1973 नियम 16 के तहत संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यवाही स्थगित कर प्रस्ताव लाया। इन सेवाओं पर रहेगी रोक, मिलती रहेंगी ये सुविधाएं। आज पूरे हिमाचल को लॉकडाउन कर दिया गया। इस दौरान राज्य बसों, स्टेज तथा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा सहित ट्रेनों व व्यावसायिक हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। सेना, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा मरीज लेकर जाने वाले वाहनों, जरूरी सेवाओं में तैनात स्टाफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन चलाने पर छूट रहेगी। हिमाचल का समर सीजन 0 पर पहुंचा, बुकिंग रद्द। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच हिमाचल का समर सीजन 0 पर पहुंच गया है। जून माह तक की बुकिंग रद्द हो गई है।
पर्यटन नगरी मनाली का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चरमरा गया है। यही हाल प्रदेश के दूसरे पर्यटन डेस्टिनेशन का भी है। 31 मार्च तक तो पर्यटन डेस्टिनेशन में होटल, होमस्टे आदि पहले ही बंद कर दिए गए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट शेयर करने पर मामला दर्ज। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करना हरोली के युवक को महंगा पड़ गया। युवक के खिलाफ हरोली पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दो युवकों में इसी पोस्ट को लेकर बहस हुई। एक युवक पुलिस थाना में शिकायत लेकर पहुंचा, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाहन कुमारहट्टी एनएच पर टकरा गई दो कारें। नाहन कुमारहट्टी एनएच 907 पर काली मंदिर के समीप दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में किसी को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक नाहन से महज 7 किलोमीटर दूर चबाहा के समीप काली मंदिर के पास दो कारें आपस में टकरा गईं। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। बीबीएन में धारा 144 के उल्लंघन पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन पर जिला सोलन के बीबीएन में 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बग्गूवाला सड़क बरोटीवाला में इन 5 लोगों को एक साथ खड़े पाया था, जिसके चलते पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।